नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। दिल्ली राजेंद्र नगर हादसे के बाद एमसीडी ने कई अवैध इमारतों की पहचान की, मेयर ने बनाई हाई लेवल मीटिंग। माता प्रसाद पांडे बने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पीडीए के बाद अखिलेश यादव ने चला ब्राह्मण कार्ड। समाजवादी पार्टी ने एक और विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर अंतिम मोहर लगाई। इसके अलावा सपा की ओर से विधायक महबूब अली को अधिविष्टा मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर के वर्मा को उप सचेतक नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ताबड़तोड़ फायरिंग से स्टाफ नदीम महमूद की इलाज के दौरान मौत। कैंपस के अंदर दो कर्मियों ने हुई थी फायरिंग, तीन आरोपित भेजे गए जेल। पेरिस ओलंपिक 2024 पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में हासिल की जीत। मालदीव की फतिमा नवाहा अब्दुल रजक को हराया। रूस की सेना में काम कर रहे 10 भारतीय लौटेंगे स्वदेश, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय नागरिकों को रूस सशस्त्र बलों ने छोड़ दिया है। ये जानकारी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दी। साथ ही विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों से रूस में रोजगार के अवसर तलाशने और इस युद्ध क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। देशवासी बढ़ाएं खिलाड़ियों का उत्साह, मन की बात के 112वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक का किया जिक्र। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी के कैलाश नाथन पुडुचेरी के बनाए गए एलजी। जेडीयू ने शुरू की झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां, 11 सीटों पर लड़ने का ठोका दावा। नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। जेडीयू ने राज्य की 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा ठोका है। बताया जा रहा है कि जेडीयू झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला भाजपा आलाकमान के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मैच। आदेश में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 69,000 के करीब हुई। वहीं राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने 10 ग्राम सोने की कीमत 69,150 और चांदी 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम बनी हुई। जबरन वसूली केस में कनाडा में 6 भारतवंशी गिरफ्तार, महिला और नाबालिग भी शामिल, एशियाई बिजनेसमैन को निशाना बनाने का आरोप। ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होने दूंगा, कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विदेशी नेता ने किया पलटवार, बोले ट्रंप तानाशाह लोकतंत्र खत्म कर देंगे। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा पुलिस भर्ती में एब्सेंट कैंडिडेट को पीएमटी का मौका। आयोग ने जारी किया रीशेड्यूल, पुरुष 29 जुलाई और महिलाएं 30 को दे सकेंगी फिजिकल टेस्ट। आज रोहतक दौरे पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, अनाज मंडी में बदलाव जनसभा, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा भी रहेंगे मौजूद। कुरुक्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही के कारण आवारा गाय ने ली 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान। घटना कुरुक्षेत्र की पटेल नगर कॉलोनी की है, जहां घर के बाहर खड़े आवारा पशुओं के झुंड में से एक गाय ने वृद्ध महिला पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने महिला को गाय से बचाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाए। गाय महिला को तब तक मारती रही जब तक महिला की जान नहीं चली गई। घटना का पता चलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पशुओं के झुंड को वहां से भगाया, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। यह घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। मृतक महिला की पहचान वरिंद्र सिंह की पत्नी 65 वर्षीय गुरदीप कौर के रूप में हुई है। होडल के विधायक जगदीश नायर ने किए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास, बोले किसानों के खेतों के रास्ते पक्के होने लगे हैं। विधायक जगदीश नायर ने विधानसभा होडल में लगभग 6,50,00,000 रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक ने होडल में पुनहाना रोड से नीमका गांव तक बनने वाली सड़क का विधिवत शिलान्यास किया, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आई। जगदीश नायर ने कहा कि यह रोड आगामी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। यह सड़क मार्ग जिला परवल से होते हुए जिला मेवात में जाकर मिल जाता है। इन रास्तों के बन जाने से ग्राम वासियों को खेतों में जाने से कोई परेशानी नहीं आएगी। इस मौके पर गांव के लोगों ने विधायक जगदीश नायर के साथ साथ अन्य अतिथियों को फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया।
इसके अलावा विधायक जगदीश नायर ने गांव गठोता में एक बूस्टर का भी शिलान्यास किया, जिसे बनाने में करीब 41 लाख रुपए की लागत आएगी। पंचायत के खेत खलियान के 6 रास्तों को पक्का करने के कार्य को भी नारियल तोड़कर शिलान्यास किया गया। इन रास्तों को पक्का करने पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा की पलवल से स्पेशल रिपोर्ट। आज जो ये सड़क बनाई जा रही है मार्केटिंग विकास में बनाई जा रही है, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतना अभूतपूर्व विकास आज सुबह से हम उद्घाटनों में लग रहे हैं। हमने कल भी सारे दिन उद्घाटन किए, आज भी किए, कल भी कर रहे हैं, पूरा सप्ताह हमारा उद्घाटन। आज यहाँ हसनपुर करने वाले व्यक्ति विराजमान है, हसनपुर के लिए भी बड़ी सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, बसता दिया, यमुना नदी का पुल दिया, हॉस्पिटल दिया, नेस्ट हाउस दिया, ये सारा विकास है। और सड़कें बनाई जा रही हैं, सड़कें जहाँ जो सड़कें पुरानी टाइम में टूट चुकी थी उन नई करके उनको बनाया जा रहा है। सारा ये विकास बड़ा तेजी से दौड़ रहा है और भी विकास के काम हसनपुर में नए और आ रहे हैं, नई फैक्ट्री है उसको भी करोड़ों रुपया मंजूर करके हम भेज रहे हैं। हिसार का गैंगस्टर रोहित थाईलैंड से गिरफ्तार, काला खेरमपुरिया ग्रुप का सदस्य, महिंद्रा शोरूम फायरिंग में उपलब्ध कराए गए थे हथियार। फरीदाबाद में हाई एक्सटेंशन तार की चपेट में आए कांवड़िए, एक की मौत, 15 झुलसे, हरिद्वार जाने की तैयारी में गाड़ी सजाकर तिगाव ला रहे थे। करनाल NH पर ट्रक बाइक में टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल, तीनों पानीपत के रहने वाले। मृतक गोपी की शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी। बरवाला में आंगनवाड़ी केंद्र में चोरी, रात में गेहूं की बोरियां ले गए चोर, हेल्पर ड्यूटी पर आई तो टूटे मिले ताले। हिसार में कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, पूर्व सीएम हुड्डा बोले भाजपा जवाब नहीं दे रही, शैलजा ने कहा बदलाव का समय आ गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के आजाद नगर आज पहुंचे और वे वहां नलवा हल्के में मनाए जा रहे गुरुदक्ष प्रजापति सम्मेलन में शामिल हुए। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, कल फिर मुलाकात होगी, जब तक लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।